फॉरगिवनेस माफ कर देना और दरगुजर करना किस तरह करना है? देखिए अभी हम यही बात आपसे कर रहे हैं ना कि बाय यूजिंग एम्पथी, एक तो बात हमने ये की और उसको हम डायरेक्टली कहें कि हम दूसरों के साथ ताल्लुकात को, फीलिंग्स का कनेक्शन बनाएं उनके साथ, उनके शू में पांव रख कर देखें, उनको ह्यूमन बीइंग ही समझें, हमें उनको खुदा और फरिश्ते समझने की ज़रूरत नहीं है। देखिए हमें कुछ चॉइसेस करनी पड़ेंगी फॉरगिवनेस के लिए, फ्रॉम माय साइड मैं अगर हेल्प कर सकूं, चूज़ करना पड़ेगा। पहले तो हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम ख़ुद को फॉरगिव करें, स्टार्ट कर लें, आज एक फ़ैसला कर लें कि हम अपने साथ फ्लैक्सीबल होंगे। मेरा हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप ये कहकर बिल्कुल दूसरों के दिल तोड़ते रहें और अपने आप को नुकसान पहुंचाते रहें, ऐट दी एंड कहें चलो कोई गल नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये वहाँ पर फॉरगिव करने की ज़रूरत है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देते, यानी यू हैव टू फाइंड आउट द वो जो सोचे हैं, वो जो लोग हैं, वो जो रवैये हैं जो आपको स्टक कर देते हैं। यानी सम टाइम हम इतने ज़्यादा फ्रजाइल हो जाते हैं कि हम कहते हैं उस बारे में तो हमें बातें नहीं करनी है, या उस बंदे की तो हमें शक्ल, हमने शक्ल नहीं देखनी। उस बंदे के नाम का कोई फेमिलियर नाम होएगा तो हम उससे भी, आप यकीन करें मैंने लोगों के फिजियोलॉजी को चेंज होते देखा है, बिल्कुल इसके ऊपर बात करने पे उन्होंने कहा जी नहीं वी आर कंफर्टेबल उनके बगैर ही, तो प्लीज़ हमें, हम इतना कंफर्ट जोन में आ जाए तो पहले तो फैसला कर लें कि हम फॉरगिव करेंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ पीस ऑफ माइंड मेरे अपने लिए। ठीक, इस पर ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी उसी तरह से शेयर करे, वो मैंने माफ़ कर दिया तो वो भी माफ़ कर दे, इट्स नथिंग टू डू विद दैट। सो आप चूज़ करते हैं कि मैंने खुद को माफ़ करना है, सबसे बड़ी बात। आई डोंट नो अब इस पर क्या रिस्पॉन्स आता है पेरेंट्स को, ऑल दो पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ अच्छे करते हैं लेकिन मैंने देखा है बच्चों को बहुत गिले होते हैं पेरेंट्स के साथ, बहुत शिकवे होते हैं, ये सोच लें कि वो अपनी कैपेसिटी में बेस्ट कर रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए जो उनको उस वक्त ठीक लग रहा होता है। सो बाई हैविंग दिस परसेप्शन, फिर हमें अपने खुदा को ना मेहरबान होने वाली नज़रों से देखना चाहिए। हमें खुदा के साथ भी बहुत गिले होते हैं, मुझे ये नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं किया, तो उस पर भी फॉर दार्स पीस ऑफ माइंड जो वो बेहतरीन करता है वो हमारे लिए वो करता है। इस नज़रिए के साथ हमेशा अपने हाई पावर से हमें कनेक्शन बनाना चाहिए। फिर लव को चूज़ करना चाहिए खौफ की बजाय, बिल्कुल हमें मोहब्बत को चूज़ करना चाहिए, हमें मोहब्बत को फाइंड करने वाला बनना चाहिए और मोहब्बत देने वाला बनना चाहिए, रिगार्ड देने वाला बनना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट की बजाय पीस को चूज़ करने वाला। ये कोई हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये कोई चॉइसेस हमारी होंगी कि बजाय मैं कॉन्फ्लिक्ट को चूज़ करने के मैं पीस को चूज़ कर लूँ, बजाय मैं एक्सपेक्ट करने के मांगने के देने वाला बन जाऊँ, कि मेरी तरफ से पहल हो जाए कि मैं रिगार्ड और लव दूसरों को दूँ। बिल्कुल, एंड लव इज़ लेटिंग गो द फियर के नाम से भी एक बुक है जो उसमें बताते हैं ये कि अगर आप अपने लेंस चेंज कर लेते हैं, अगर आप मोहब्बत और एहतराम की ऐनक से सबको देखते हैं तो यकीन करें आपकी तकलीफ दुख कम हो जाती है, शिकवे शिकायतें कम हो जाती हैं, आप वल्नरेबल समझते हैं, आप लोगों की वल्नरेबिलिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं और आप अपनी वल्नरेबिलिटी को भी एक्सेप्ट करते हैं। सो बाई चूजिंग दीज थिंग्स You can. और फॉरगिवनेस के लिए आप एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप पहले ये अंडरस्टैंड करें कि वो पेन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या माफ़ कर देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रिश्ता ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या वो ग्रजेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।